नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का है। और मेरा नाम खुशी है। आज हम सातवीं कक्षा की छात्राएं आज आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो मित्र और रिच। एक बार की बात है कि दो मित्र जंगल में से जा रहे थे। वह डर रहे थे क्योंकि अंधेरा हो गया था। अपने डर को दूर करने के लिए वह बातें करने लगे। अचानक उन्हें किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। इधर उधर देखने पर उन्हें एक भालू दिखाई दिया। एक मित्र डर कर पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने सुन रखा था कि रिच्छ मरे हुए व्यक्ति को कुछ नहीं करता। यह सोचकर वह सांस रोककर धरती पर लेट गया। रिच्छ उसके पास आया। उसने उसे कान, नाक और मुंह से पास सूंघा और मरा हुआ समझकर चला गया। रिच के चले जाने पर पहले मित्र पेड़ से उतर कर नीचे आया और उसने पूछा, रिच तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, रिच कह रहा था कि जो मुसीबत के साथ ना दे वह सच्चा मित्र नहीं होता। पहले मित्र को बात समझ आ गई। उसने अपने मित्र से क्षमा मांगी। शिक्षा, स्वार्थी मित्रों से बचो। धन्यवाद।